नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शिवामा की आवाज। बागपत पुलिस को मिली बहुत बड़ी सफलता। नीरोजपुर गुज्जर में एक प्रॉपर्टी डीलर यूनुस की कुछ दिनों पहले अज्ञात बदमाशों ने उसके प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यालय पर जाकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी आला अधिकारियों को भी दी गई थी, तभी से आला अधिकारी बदमाशों की पकड़ में लगे हुए थे। लेकिन बागपत पुलिस सर्विलेंस और स्क्वाड टीम ने बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि हत्या का कारण पैसे के लेन देन का था। इसी कारण गायूर ने अपने साथियों के साथ मिलकर यूनुस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। कराना है कि 28 फरवरी को थाना बागपत के नीरोजपुर गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम यूसुफ था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें बाइक सवार तीन शूटरों ने उस पर 5 गोलियां से उसकी हत्या की थी। इसमें हमारी थाना कोतवाली की टीम, स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम निरंतर लगी हुई थी और आज इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनमें से 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम है नीशू उर्फ निशांत, विकास पुत्र प्रमोद, अनुज पुत्र मैनपाल और सोनू उर्फ संदीप और नीरज। ये 5 व्यक्तियों के नाम आए हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अनुज अभी भी फरार है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि जो सोनू नाम के व्यक्ति है, जो कि गांव का ही रहने वाला है, उसकी जो मृतक है और उसके पार्टनर से पैसे को लेन देन के लेके कोई विवाद चल रहा था। इनमें 2022 में भी एक मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद अभी कोर्ट से मुकदमा लिखाने की भी अभी प्रक्रिया चल रही थी। उसी की रंजिश मानते हुए इसने अपने गाँव के ही नीरज नाम के व्यक्ति से 3 शूटरों से मुलाकात की, उनको उनसे डील की 5 लाख रुपए में इसकी हत्या करवाने के लिए, जिससे इसका मुकदमा भी ख़त्म हो सके और इसको पैसा मिलने नहीं वापस करना पड़े। इसी को रखते हुए इसने पूरी साजिश बनाई और इसने पूरा जो हमारा जो मृतक व्यक्ति हैं उसकी पूरी डिटेल्स बताई कि वो कहाँ से जाता है, कहाँ रहता है, और उसी को प्लान करते हुए इन लोगों ने ये शूट आउट किया। ये जो विवाद था इसमें लगभग 6-7 लाख रुपए का इन लोगों का विवाद था, उसी को लेके इसने ये साजिश रची। इसमें जो 2 शूटर हैं उनको हमने मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है, जिनका नाम नीशू और विकास है। इसमें अनुज अभी फरार हैं, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।